कोढ़ा प्रखंड के सैकड़ों किसानों ने राष्ट्र राजमार्ग 81 को 3 घंटे तक रखा जाम। मामले को लेकर जानकारी देते हुए प्रखंड क्षेत्र के किसानों द्वारा बताया गया कि प्रखंड क्षेत्र में खाद बीज विक्रेता द्वारा बड़ी मात्रा में उर्वरकों की कालाबाजारी की जा रही है। सोमवार को सैकड़ों की संख्या में कोढ़ा कटिहार मार्ग स्थित इफको बाजार की दुकान पर पहुंचे, जहां पर बड़ी संख्या में पहले से ही किसान मौजूद थे। समय पर उर्वरक नहीं मिलने के कारण किसान आक्रोशित होकर राष्ट्रीय राजमार्ग 81 को घंटों तक जाम कर दिया और सरकार विरोधी नारेबाजी करने लगे। घटना की सूचना पाकर कोढ़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची एवं आक्रोशित किसानों को समझाने बुझाने लगी, लेकिन किसान भी थे अपनी जिद पर अड़े थे। किसानों की मांग थी कि उन्हें रासायनिक उर्वरक उचित मूल्यों पर सरकारी दामों पर मिले, लेकिन इफको बाजार के दुकानदार अपनी दुकान को बंद कर कहीं निकल गए, जिस कारण किसान और भी उग्र हो गए और खाद उपलब्ध नहीं है। आज अभी 4 बजे सुबह से किसान यहाँ पे आया हुआ है और 9 बजे से रोड पे बैठा है। अभी 12:01 बजने वाला है, कोई प्रशासन अभी तक पूछने नहीं आया। जब तक इसका निराकरण नहीं होगा, किसान आज यहाँ से नहीं हटेगा। इसका निराकरण होगा तभी किसान हटेगा यहाँ से। यहाँ पूरे के तरफ पूरा इफको बाजार काला बाजारी के भेंट चढ़ गया है और अभी बोल रहा है 2000 बोरा है। कल मेरे आँख के सामने में 5 ट्रक खाद आया है और आज ही बोल रहा है 2000 बोरी खाद है। और सुबह से लाइन न लगवाता है, कोई व्यवस्था सही नहीं रखता है ताकि रोज रोज बाजार बंद रहे और इसको काला बाजारी करने अभी बाजार पर का दुकानदार है, जितना भी बाजार पर का दुकानदार है, टोटल खाद दुकानदार का मुंशी अभी यहाँ पे बैठा हुआ है। खाद लेने के लिए उठवाइए, सब खाद दुकान वाला का मुंशी आपको यहाँ पे मिलेगा। वो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये पूरा ये अनियमितता का खेल हो रहा है। हमको तो यहाँ शक हो रहा है कि प्रशासन की भी मिली भगत है। इस पर आवाज उठाना जरूरी है, इसलिए आज सब किसान यहाँ रोड जाम किए हुए हैं। इसका निराकरण निकलने के बाद ही रोड खुलेगा। सरकार से आपका क्या मांग है? सरकार से मांग है कि अभी खाद की बहुत जरूरत है। यूरिया, पोटास और डीएपी, ये 3 चीजों की अभी जरूरत है मकई में। अभी मट्टी चढ़ाने का 1800 में 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 1800
हुए हैं, सड़क जाम कर रखे हुए हैं, क्यों? खाद नहीं दे रहा है। कौन सा खाद नहीं दे रहा है? वो भी खाद नहीं दे रहा है। नहीं मिल रहा है? नहीं। किस जगह आए हुए हैं? यहाँ इप्पो बाजार। कौन सा बाजार में? इप्पो बाजार गेराबारी। गेराबारी। कितने दिन से आप यहाँ आ रहे हैं? 8 दिन से। क्या आश्वासन मिलता है, क्या कहता है? देंगे, भी आएगा तब देंगे। यही बोलता है। यही मार्केट में खाद उपलब्ध है या नहीं है? उपलब्ध यही खाद है, 1600-1700 में। 1600-1700 में मिल रहा है। अभी आप लोग सड़क पे उतरे हुए हैं, क्यों उतरे हुए हैं? खाद नहीं मिलने के कारण में सड़क में उतरे हुए हैं। जो खाद 1200 में मिलने वाला है वो बाजार पर जो है 1800-1900 में मिल रहा है, और ये खाद के लिए किसान जो है सड़क पर उतर आए हैं। कहाँ से आप आए हुए हैं? चरखी से आए हुए हैं। कितने दिनों से आप यहाँ पे खाद लेने के लिए आ रहे थे? 5 दिन से आ रहे हैं। मिला या नहीं मिला? नहीं मिला। नहीं मिला। क्या नाम आपका? मोहम्मद सुल्तान नाम है। अभी आप लोग लाइन में जो लगे हुए हैं, किस लिए लगे हुए हैं? कितने दिन से लगे हुए हैं? क्या खाद मिला? नहीं मिला। कहाँ पे लगे हुए हैं? इप्पो बाजार में। इप्पो बाजार में। इप्पो बाजार गेराबारी। गेराबारी में। जाम के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों किनारे वाहनों की लंबी कतार लग गई। कोड़ा थाना पुलिस द्वारा काफी समझाने बुझाने के बाद किसानों ने जाम को हटाया एवं आवागमन चालू किया गया। किसानों की सूची बनाकर किसानों को उर्वरक देने की बात कही गई है।